आखिर क्यों इस कुली को मिलती है सुरक्षा? सरकार ने क्यों दो दो सुरक्षा कर्मी किए हैं तैनात? पाकिस्तान से कुली का कैसा है संबंध? 2013 बम विस्फोट से कौन सा है नाता? 80 के दशक में अमिताभ बच्चन की फिल्म कुली आई थी। इस फिल्म में कुली की भूमिका को सिने स्टार अमिताभ बच्चन ने बखूबी निभाया था। इसके बाद 90 के दशक में गोविंदा की फिल्म आई थी जिसका नाम था कुली नंबर 1। उस फिल्म में भी गोविंदा ने कुली की भूमिका को सिने पर्दे पर बखूबी उकेरा था। आजकल फिर से देश में कुली की चर्चा तेज है। वजह है कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जो दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर कुलियों के बीच जाते हैं और लोगों का सामान ढोते हैं। इन सब के बीच आपको पटना रेलवे स्टेशन के एक ऐसे कुली से मिलाने जा रहे हैं जो रियल लाइफ में हीरो है, और इनके कारनामों की वजह से सरकार ने इन्हें दो दो सुरक्षा कर्मी मुहैया कराए हुए हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इस कुली को सुरक्षा क्यों मुहैया करानी पड़ी। पटना जंक्शन पर तैनात कुली का नाम धर्मा यादव है, जो मूलतः आरा का रहने वाला है। बात 27 अक्टूबर 2013 की है। उसी दिन पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली थी। उस रैली में गांधी मैदान में आधा दर्जन से अधिक बम विस्फोट हुए थे और कई बम की बरामदगी भी हुई थी। गांधी मैदान में विस्फोट के पहले सुबह 9:30 बजे पटना जंक्शन के 10 नंबर प्लेटफॉर्म के बाथरूम में विस्फोट हुआ। विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। विस्फोट के बाद आतंकी इम्तियाज भागने लगा। उस आतंकी के कमर पर भी बम बंधा हुआ था। उसी दौरान कुली धर्मा यादव ने अपनी जान पर खेलकर उस आतंकी को धर दबोचा था। उस आतंकी के पकड़े जाने के बाद गांधी मैदान में विस्फोट शुरू हुए थे। इस घटना के बाद धर्मा कुली को NIA ने मुख्य गवाह बनाया था, जिसके बाद 9 आतंकी गिरफ्तार हुए थे। और इन्हीं सब के बाद धर्मा कुली को जब गवाही ना देने के लिए पाकिस्तान से फोन आने लगे, उन्हें पैसों का लालच दिया गया, जिसकी वजह से भी वो अपने धर्म से नहीं हटे, जिसके बाद सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए 2 सिपाही तैनात किए थे। इस घटना के बाद 2016 में कुली धर्मा यादव पर पटना जंक्शन के पास आत्मघाती हमला हुआ था, जिसके बाद उन्हें GRP का एक सुरक्षाकर्मी मुहैया कराया गया। उसके बाद दूसरा गार्ड बिहार पुलिस का उन्हें अप्रैल 2023 में उपलब्ध करवाया गया है। कुली धर्मा यादव अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। वो लोगों का सामान ढोते हैं, सामान ढोकर रोजाना 500 रुपया कमा लेते हैं। एक सवाल के जवाब में धर्मा यादव ने कहा कि सरकार से उन्हें बॉडीगार्ड के अलावा कोई मदद नहीं मिली है। वो गैलेंट्री अवार्ड के लिए कई बार सरकार से गुहार लगा चुके हैं। घटना के 11 सालों के बाद भी उन्हें कोई अवार्ड नहीं मिला। साथ ही उनका कहना है कि उन्हें रहने के लिए घर नहीं है। वो कुली विश्राम गृह में रहती है, जिससे उनके बॉडीगार्डों को काफ़ी दिक्कत होती है। वो सरकार से गुजारिश करती है कि उन्हें रहने के लिए एक आवास और उनके बेटे को नौकरी दी जाए, ताकि बुढ़ापे में उनका जीवन अच्छे से गुजर सके।